जिसमें बताया जा रहा है कि प्रेजेंट एमएलए अखंडा सिद्धू मास मूर्ति की जो है हिमायत में काफी उलमा है, और जो मुखालिफत कर रहे हैं वो यूपी बिहार कलकत्ता के उलमा है। उसको आप किस तरह से देखते हैं और हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अखंडा श्रीनिवास की जो वीडियो वायरल हो रही है और उनके चाहने वाले भी अलग अलग तरीक़े से ये बता रहे बाहर वाले बाहर वाले, जबकि मेरी पैदाइश हाजी सर इस्माइल सेठ बेंगलुरु अस्पताल में हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर जो है दारुलूम शाहजिल्ला बेंगलोर जो है 1982 में कायम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त से उससे पहले से मैं यहाँ इमामत भी कर रहा था, खिदमत चल रही है। ये जो बाहर बाहर का जो जुमला निकाल रहे हैं ये गलत निकाल रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि वो शायद बाहर के होंगे लेकिन मैं बाहर का नहीं हूँ, मैं बिल्कुल यहीं का हूँ। और फिर अमीर शरीयत मेरे साथ में है का बोलना, अमीर शरीयत सबके साथ हैं, अमीर शरीयत कर्नाटक का माना क्या है कि वो तो सबको लेकर चलने वाले हैं, सबको लेकर चल रहे हैं। और हिमायत के बारे में बात करना, अमीर शरीयत हरगिज दामत बरकात हमारे उस्ताद हैं, वो हरगिज से कोई हिमायत नहीं किए हैं। उस वक्त वो घर जब जला था उस वक्त वो बोले थे, वो अलग किस्सा है, वो घर का अलग किस्सा है, लेकिन उसके बाद जो मुसलमानों पर जुल्म हुआ है ये गलत काम किया है। मैं उससे जब मैं इससे पहले जब 6 महीने पहले जब दिया था इंटरव्यू दिया था, उसके दूसरे दिन वो आया था यहाँ पर, मैंने उससे कहा अखंडा तेरा भांजा गलती किया तू फौरन उसे अरेस्ट करता, मुसीबत आती नहीं थी, अरेस्ट नहीं किया, फिर FIR दाखिल करने के लिए अहबाब गए उनको दाखिल करने दिया नहीं, तू आ जाना था बाहर, रो आ जाना था तू बाहर, जान को हथेली में लेकर आ जाना था, तो आज हीरो बन जाता था, आज तो हीरो बन जाता था। अब बोल रहा है कि मैं इसके ऊपर हाथ रख के बोलता हूं मेरी गलती नहीं, मेरी गलती कहीं कुछ झूठ बोल रहा है कि पिटिशन है जो दाल को है गलती नहीं है, वो गलती नहीं है, वो जो लोग महीने में 20 पर 25 जा जाकर आ रहे हैं, जिनकी नींदें खराब हो गई, जिनके घर उजड़ गए, तकरीबन 3 साल हो रहे हैं जो जेलों के अंदर मौजूद हैं, उनके बाबा पर क्या गुजर रही है। एक के बारे में पता चला कि उसकी बात रोते रोते उसकी आंख चली गई, ये आंख चली गई, फिर बोलता है कि मेरा क्या भी नहीं, मेरा क्या भी नहीं। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ध्यान से सुन लो, वला ताबनु अलल इस्म वल उदवान, अल्लाह फरमा रहा है गुनाहों के कामों में सरकशी के कामों में ये एक दूसरे की मदद मत करो, ये एक दूसरे की मदद मत करो। ये बोल रहा है मेरी गलती नहीं, मेरी गलती तेरी गलती, सरासर भांजा तेरा, तू उसे छपाया, तू उसे बचाया, अब जो 4 बच्चे शहीद हुए, 4 शहीद हुए, कई लोग जख्मी हुए, कई बेवा हो गए, ये सब क्या मुसीबत है ये। इसलिए ये जो वायरल कर ले कोई वीडियो, इसे बंद करें, इसे कोई तवज्जो ना दें। इस वक्त कर्नाटक का मुत्तहदा महाज अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से वो बाकायदा जांच पड़ताल करके कौन सा कैंडिडेट जीतता है, कौन से कैंडिडेट तायीद करना चाहिए, वो बाकायदा उस पर रिसर्च करते हैं, रिसर्च मेहनत चल रही है, वो इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह वो अनकरीब ऐलान करेंगे। उसके बाद जो है हम चाहिए हम वोट दें, वोट देने में मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं उस दिन कोई बहाना ना बनाए, फजर की नमाज पढ़ते ही निकल जाए, घंटे घंटे अगर लाइन में खड़ना पड़े पड़े खड़े, लेकिन वोट हरगिज वोट से महरूम ना, वोट से महरूम ना करें, वोट को महरूम ना करें, वोट डालें, लाइन में खड़े खड़े,
अगर वो लाइन में खड़ कर गए, बोले ये नंबर नहीं वो नंबर पे जाओ, बोले वहां जाओ वहां लाइन बड़ी है वो लाइन में खड़े जाओ, इस तरीके से। और फिर औरतों से गुजारिश है कि औरतों से गुजारिश है जो निकाब नहीं उठाती हैं, उनसे गुजारिश है अगर वो वहां कहें कि निकाब उठाओ तो उठा दो थोड़ी देर के लिए, इसलिए कि हमें अपने ईमान को बचाना, अपने ईमान को बचाना, अपने मुस्तकबिल बचाना है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं अहबाब से कि उस दिन जो हमारी आदत है सुबह 10 बजे उठने की, वो गलीज आदत खत्म करें, वो गंदी आदत खत्म करें, जल्दी से उठें, फजर की नमाज पढ़कर इशराक के बाद जाकर लाइन में डाकर अपने तमाम घर के तमाम अफराद को जो 18 साल के हैं, 18 साल उम्र के हैं जितने हैं, उनकी आईडी कार्ड है तो उनको लेकर जाएं और वोट डालकर आए। ये बताया जा रहा है कि मामला जो है अपनी जगह कोर्ट में चल रहा है वो ठीक है, लेकिन ये जो बेल के लिए जा रहे हैं उनके जो है रास्ते में एमएलए की तरफ से रुकावट ही नहीं है, इसको आपने क्या देखा है, क्या आपके पास है? वो गलत बात है, एमएलए की तरफ से रुकावटें आकर है, मेरे पास सबूत मौजूद है। क्या रुकावटें थी जी? उसका जो लायर होता है ना, वो लायर जाकर बाकायदा वो कर रहा है, डाल रहा है, पिटीशन डाल रहा है। ये लोगों को नहीं छोड़ना, हाँ नहीं छोड़ना। 14 अफराद के बारे में जमीर अहमद आए थे, आपसे मुलाकात हुई तो क्या जो है मामला अपना क्या सिलसिला? नहीं, एमएलए जमीर अहमद खान साहब जो है वो मौजूदा कैंडिडेट कुसी नवाज लेकर आए थे और लेकर आकर मुझे मिलाए थे और कहे थे कि आप हजरात ने कहा था कि अखंडा को हटा दो, हम लोग आपके हजरात की बात पर उसे हटा दिए हैं, अब इसे नए कैंडिडेट को लेकर आए हैं, इस कैंडिडेट को आप हजरत जिताएं तो अच्छा है, आप लोग मेहनत कर जिताएं, अल्लाह करे अल्लाह, चूंकि कांग्रेस कमेटी वाले जो हैं वो हमारी बात का लिहाज रखे हैं, लिहाज रख के उसे हटा कर इसे लाए हैं, वो भी समझ गए कि वो गलत है, वो गलत काम किया है, इसलिए उसे हटा दिए हैं, एक दूसरे को लाए हैं, श्रीनिवास को लेकर आए हैं, हो सकता है अल्लाह ताला उसे कामयाब कर दे।